क्या आप जानना चाहते हैं कि स्काइप पर कॉन्टैक्ट कैसे ऐड करें या जोड़ें, तो फिर ये वीडियो देखते रहिए। नमस्ते, मेरा नाम एकता है। सबसे पहले आप हमारा वीडियो स्काइप क्या है देख लीजिए, फिर अपना स्काइप अकाउंट खोलने के लिए ये वीडियो देख लीजिए। एक बार आपका स्काइप अकाउंट बन जाए और आपके कंप्यूटर पर या मोबाइल पर इंस्टॉल हो जाए, तो फिर ही आगे बढ़िए। चलिए स्काइप में कॉन्टैक्ट ऐड करते हैं या जोड़ते हैं। सबसे पहले यहाँ नीचे स्टार्ट के बटन पर क्लिक कीजिए, फिर ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक कीजिए। पहली बार आपको स्काइप ढूंढना पड़ेगा और अगली बार वो अपने आप स्टार्ट मेन्यू में आ जाएगा। तो चलिए स्काइप ढूंढते हैं। ये रहा स्काइप, इस पर क्लिक कीजिए। अब ये देखिए नीचे ये लिंक आ गया, इस पर क्लिक कीजिए और अब आपका स्काइप जो कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुका है वो आ जाएगा। यहाँ देखिए स्काइप नेम डालिए और पासवर्ड डालिए और फिर साइन इन के बटन पर क्लिक कीजिए। अब स्काइप खुल रहा है, ये देखिए स्काइप खुल गया। तो स्काइप में कॉन्टैक्ट क्यों जोड़ें? स्काइप में अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं या चैट करना चाहते हैं, तो आपको उन्हें कॉन्टैक्ट के रूप में ऐड करना पड़ेगा। अगर आप किसी को ऐड करना चाहें, तो यहाँ ऊपर ये एक आइकन सा बना हुआ है, आप इस पर क्लिक कीजिए। अब देखिए एक सर्च बार खुल गई। स्काइप आपसे कह रहा है कि आप लोगों को उनके नाम से, उनके स्काइप नाम से या ईमेल से खोज सकते हैं। तो चलिए कोई नाम डालते हैं और खोजते हैं। मैं विकास कुमार डाल रही हूँ और एंटर दबाया, तो देखिए ये बहुत सारे विकास कुमार खुल गए। आप यहाँ देख सकते हैं कि नाम के नीचे उनकी लोकेशन या उनका स्थान भी दिया हुआ है। अगर आप ढूंढ रहे हैं किसी खास विकास कुमार को, तो आप यहाँ पर ढूंढ सकते हैं, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे खोज के परिणाम आ गए। अगर आपको उनका स्काइप नाम पता है, तो आप उनका स्काइप नेम डालकर यहाँ पर उन्हें खोज सकते हैं। तो चलिए स्काइप नेम से ट्राई करते हैं। वैसे मुझे उनका स्काइप नेम नहीं मालूम, वी कुमार डाल के देखती हूँ। ये तो वी कुमार भी बहुत सारे लोग आ गए, शायद उनका स्काइप नेम वी कुमार 74 है। तो ये देखिए ये विकास कुमार हैं जिन्हें मैं खोज रही थी। मैं उनके नाम पर क्लिक करती हूँ और यहाँ पर एड टू कॉन्टैक्ट में जो एक नीले रंग का बटन बना हुआ है उस पर क्लिक कर देती हूँ। और ये देखिए खिड़की से खुल गई, इसमें आप एक मैसेज दे सकते हैं। तो मैं ये मैसेज को थोड़ा सा बदल देती हूँ और ये सेंड के बटन पर क्लिक कर देती हूँ। अब ये कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट उन्हें चली गई। अगर वो आपकी कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, तो ही आप उनके कॉन्टैक्ट बनेंगे। लेकिन अगर उन्होंने आपकी कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, तो आप उनके साथ कनेक्शन नहीं बना पाएंगे स्काइप पे। तो चलिए कोई और खोजते हैं। ये देखिए क्या कैसे डालती हूँ, ये देखिए ये क्या कैसे आ गया। आप चाहें तो यहाँ पर ऐड टू कॉन्टैक्ट्स कर सकते हैं और ऐड टू कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करने के बाद ये सेंड का बटन दबा दीजिए। अब ये देखिए क्या कैसे ने हमारी कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, इसी वजह से यहाँ पर ग्रीन सी लाइन आ रही है। लेकिन अभी फिलहाल विकास कुमार ने हमारी कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए एक प्रश्न चिन्ह आ रहा है, एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है। जैसे जैसे आप अपने कॉन्टैक्ट्स को यहाँ पर डालते जाएंगे, वैसे वैसे ये लिस्ट या ये सूची लंबी होती जाएगी। और अगर उनके पास भी स्काइप है और आपके पास भी स्काइप है, तो आप उनके साथ फ्री में बात कर सकते हैं। क्या आपको हमारा वीडियो पसंद आया? अगर हाँ, तो YouTube में लाइक का बटन दबाइए। आप हमारे क्या कैसे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।